और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि सीनियर आईएएस अफसर हैं दुर्गा शंकर मिश्रा आज से पदभार संभाल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे, ये फैसला लिया गया है। मिश्रा 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। खास बात यह है कि रिटायरमेंट से दो दिन पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में ये चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, और ऐसे में उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपना जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा सकता है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सीनियर आईएएस अफसर हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।